नमस्कार, गपशप कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम बेहद रोचक खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्ष वैसे भी बेहद कमजोर है, लेकिन विपक्ष की आपस की पार्टियां ही एक दूसरे के खिलाफ पोल खोल का अभियान चला रही हैं, खास तौर से समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच। जब से चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद से रोज तलाक 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 का शोर मचता रहा, लेकिन जब आजमगढ़ का चुनाव परिणाम आया लोकसभा के उपचुनाव का, उसके बाद तो फिर ये एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। तलाक पे कहा गया कि भाई कागज तैयार है, दस्तखत होना बाकी है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह से राजभर ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया, तो दस्तखत भी हो गया और समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिख के उनको आज़ाद भी कर दिया कि आप अपने हिसाब से अपना जीवन जिए। लेकिन इस गठबंधन के टूटने का जो भूत है, वो अभी तक दोनों का पीछा कर रहा है। वो एक दूसरे को नेता जहां जाते हैं वहां उनके ऊपर सवालों की बौछार करा देता है। ये जोड़ी टूटी, 7-8 महीने का ही साथ रहा होगा, लेकिन इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है ये बताने के बजाय एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं लोग। हालांकि राजभर के जो लोग तेवर को जानते हैं, वो जानते हैं कि वो किस तरह से उनकी जुबान पर जो आया वो बोल देते हैं और किस तरह से वो अपने साथियों के साथ और विपक्ष के लिए बेबाक टिप्पणियां करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन टूट रहा है, उसमें बहुत साफ है कि ये चुनाव के पहले का गठबंधन था। इस उम्मीद से था कि सरकार सत्ता में आएंगे तो फिर सब साथ रहेंगे, मंत्री पद लेंगे, अलग अलग चीजें बटेंगी, परिवार का भी विस्तार होगा, फलेगा फूलेगा। लेकिन जब सरकार नहीं आई, तो फिर अब जो लोग उस गठबंधन में थे उनको अपने खुद का कोई ना कोई इंतजाम करना था, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है, साथ ही परिवार के बाल बच्चों का भविष्य भी सेट करना है। तो ऐसे में ये जो गठबंधन टूटा और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां शुरू हुई, तो उसमें कई सारी बातें निकलने लगी। अब बात नौबत इस बात तक आ पहुंची है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा कि राजभर टिकट बेच देते थे। सपा और राजभर के बीच खटास तेजी से बढ़ रही है। छोटी पार्टियों की अपनी मजबूरी भी होती है, उनके टिकट लेगा कौन जब तक उनके पास कहीं कोई गठबंधन ना हो, कहीं उनके जीतने की संभावना ना हो। तो जब दोनों तरफ से सहमति हुई, हाथ छूट गया, आज़ादी आ गई, लेकिन ये जो एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, ये अब लोगों को खटकने लगा है। ओम प्रकाश राजभर ने इसका जवाब भी दिया, तमाम भाषा में दिया, लेकिन उनको अब इसकी बहुत फिक्र नहीं है, क्योंकि अब वो सत्ता की मलाई चखने के बेहद नज़दीक हैं। उनको बीजेपी की सरकार ने सुरक्षा दे दी है, 16 सिपाही मिल गए हैं। जहां रास्ते में रोक लिए जाते थे, कचहरी में उनके साथ बवाल हो गया था नामांकन के दौरान, अब वहां उनके आगे पीछे सिपाही लग गए हैं। देर सवेर ये कहा जा रहा है कि उनको कोई बड़ा बंगला मिल सकता है, हो सकता है कि अखिलेश यादव ने जो बंगला खाली किया था वो बंगला उनको दे दिया जाए समाजवादी को चिढ़ाने के लिए। इसके अलावा अभी फिलहाल भाजपा ने उनके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद रखे हैं। राजभर ने सोचा था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद हो सकता है कि यूपी के मंत्रिमंडल में उनको मौका मिलेगा, वो फिर से मंत्री बन जाए, अभी 4.5 साल का मामला है। लेकिन अभी बीजेपी ने वहाँ पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। फिर राजभर ने कहा, नहीं, हम बसपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। उनको उम्मीद थी कि उनके इस प्रस्ताव को बहन जी तेजी से लपकेंगी, लेकिन मायावती भी कम जानकार नहीं, उनको पता है कि राजभर का दिल एक जगह कहीं टिक कर लगा नहीं रहता और
उनका जो ये आनन फानन का जो प्रस्ताव है, इस पर मायावती ने खुद नहीं अपने भतीजे से उन्होंने लाल झंडी दिखवा दी कि अभी इधर आने की जरूरत नहीं है। अब आसमान से गिरे खजूर मेट के। समस्या ये है कि छोटी सी पार्टी थी, पहले 4 विधायक जीते फिर 6 जीते, उसमें से एक मुख्तार अंसारी का बेटा जीता। बीजेपी को वोट तो कर आए, लेकिन बीजेपी में शामिल होंगे तो मुख्तार अंसारी खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका क्या होगा, बीजेपी का कैसे उसको डिफेंड करेंगे। दूसरा, राजभर के इस तरह से भटकने के पीछे एक कारण और माना जाता है, वो कारण उनके साथ उनकी छोटी पार्टी कही जाए संजय निषाद की है, जिनका पूरा परिवार सेट हो गया, लाल बत्ती की भरमार है उनके घर में, विधायक भी है, सांसद भी है, MLC भी है, मंत्री भी है, लेकिन राजभर इतना संघर्ष करके, इतने बड़ा संगठन और पार्टी खड़ा करके सियासत का वो मजा नहीं चख पा रहे हैं जो संजय निषाद इस समय ले रहे हैं। तो उनके सामने अपने बेटों को भी सेटल करने की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे इस उम्मीद में कि शायद, लेकिन अभी उनको लगता है कि 2024 तक बीजेपी इंतजार कराएगी। सावन का महीना कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। जब से योगी सरकार बनी तब से कांवड़ यात्रा पर खूब फूल बारिश होती है, काफ़ी DJ बजते हैं, अधिकारी भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अब इस दौरान भी कांवड़ यात्रा अपने समाप्त पर है और इस कांवड़ यात्रा को योगी सरकार के अफसरों ने अपने नंबर बढ़ाने का एक जरिया भी बना लिया है, या यूँ कह सकते हैं कि सरकार के सामने अपना चेहरा चमकाने का अवसर बना लिया है। कांवड़ियों पर सरकार की मेहरबानी देखकर अफसर दो हाथ और आगे निकल गए, कोई फूल बरसा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई तेल मालिश करवा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें देखने को इस कांवड़ यात्रा में मिल रही हैं। पुलिस भी बढ़ चढ़ कर आगे है, पुलिस के अफसर भी उनसे आगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप उस वर्षा का हेलीकॉप्टर से नज़ारा देखते रहे होंगे, वो सामान्य बात हो गई। अब कांवड़ियों पर बुलडोजर से भी फूल बरसाया जा रहा है, जो योगी का एक बुलडोजर मॉडल है उसका भी प्रदर्शन चल रहा है। और इस सेवा के बहाने काफ़ी सारे अफसर बढ़िया मेवा भी खा रहे हैं। आपको देखते होंगे कि जो पुलिस लोगों से सीधे मुँह बात नहीं करती, जिसकी नीति ठोंकों वाली थी, वो अब मालिश कर रही है कांवड़ियों को। DM साहब, SP साहब कांवड़ियों के पैर धो रहे हैं, दरोगा जी कांवड़ियों के पैर में मूव लगा के मालिश कर रहे हैं, पट्टी बांध रहे हैं कोई तकलीफ ना हो, बिस्तरा भी छा रहे हैं। मतलब आपने कभी कल्पना की होगी कि पुलिस जो हवालात में डंडे से बात करती हो, थाने पे गाली गलौज जिसका रोज का काम हो, वो इतनी मुलायम हो जाएगी, वो इतनी नरम दिल हो गई कि वो मूव लेके घूम रही है जेब में कि कहाँ कांवड़िया मिल जाए लगा दे। अब आप सोचिए, शायद ऐसे रामराज की कल्पना तो सतयुग में भी नहीं की गई होगी कि कलयुग में इस तरह का चमत्कार देखने को मिल रहा है। कई पुलिस अधिकारी तो इतना आगे निकल गए हैं कि वो भगवा गौछा भी पहन ले रहे हैं ड्यूटी के दौरान, और कांवड़ियों का सबसे बड़ा सेवक अपने आप को साबित करने में लगे हैं। मेरठ, बागपत, अमरोहा, सहारनपुर, जहाँ जाइए वहाँ अधिकारी भगवा रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी हुई जहाँ कांवड़ियों ने पुलिस वालों को जमकर ठोका भी। मामला मेरठ के कंकरखेड़ा थाने का है, जहाँ की हाईवे पुलिस चौकी को कांवड़ियों ने तहस नहस कर दिया, इतना उत्पात मचाया कि SP सिटी विनीत भटनागर और CO साहब को भागना पड़ा एकदम जान बचा के। वहाँ पर मामला ये था कि चौकी इंचार्ज असलम हुसैन थे, कुछ कांवड़ियों को विवाद हो गया, पुलिस वाले इतना डर गए कि अपने चौकी इंचार्ज का नाम ही पेंट से पुतवा दिए कि कांवड़िए कहीं देख न लें कि चौकी का इंचार्ज असलम हुसैन है और बवाल कर दें। पेंट से पुतवा दिया नेम प्लेट, उसके बाद भी नहीं जान बची, गाड़ियां तोड़ डाली कांवड़ियों ने, इतनी सेवा के बाद भी और पुलिस असहाय बनी रही। तो ये स्थितियां विरोधाभासी आपको देखने को मिलेंगी, जो पुलिस बात बात में डंडा से पीठ लाल कर दे मार मार के,
वो पुलिस तमाम तोड़फोड़ के बाद भी अपनी दुकान तोड़ दी गई, अपनी चौकी तोड़ दी गई, अपनी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, उस पर भी चुप है, मुस्कुरा रही है, हाथ जोड़ रही है कि भैया मान जाओ। और जब ये सब भी नहीं मामला थमा, तब एसपी साहब भाग खड़े हुए और कांवड़ियों के भेष में पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया कपड़ा पहना के कि तुम लोग इनको समझाओ। तो भगवा कपड़ा पहन पहन के पुलिस वाले भी खड़े हो गए मेरठ में। जो गाड़ियां टूटी थी जब कांवड़िए गए तो फिर उनके शीशे उसे बिखेर रहे थे, उठाए गए, साफ सफाई चौकी की हुई, वही सिपाही कर रहे हैं कांवड़ियों का कपड़ा पहनकर। गजब विचित्र स्थिति है। जब जिस देश में संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये कहा जाता है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो किसी धर्म का धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है हिंदुस्तान, वहाँ किसी धर्म विशेष के लिए कोई सरकारी तंत्र काम नहीं करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की नज़रों में नंबर बढ़ाने के लिए, अपने पद को बरकरार रखने के लिए, मलाईदार कुर्सी हासिल करने के लिए अफसर इस तरह के पाखंड और उपक्रम कर रहे हैं, जिससे स्वाभाविक है कि कुछ देर के लिए सरकार उनसे खुश जरूर होती है, लेकिन लंबे समय में ये एक अच्छा संदेश नहीं हो सकता है। अब बात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई। दिल्ली से एक मामूली सी खबर आई, लेकिन उसने यूपी की ब्यूरोक्रेसी में हलचल सी मचा दी है। मामला दिल्ली वाली मैडम से जुड़ा है, जिनकी लखनऊ वापसी को लेकर जो फरमान आया उसके बाद से तो तरह तरह की तमाम सारी चर्चाएं शुरू हो गई, कयास चल पड़े हैं। बात 1987 बैच की IAS अफसर रेणुका कुमार की हो रही है। रेणुका कुमार को भारत सरकार ने उनके मूल कैडर उत्तर प्रदेश में वापस भेज दिया है। अचानक से हुए इस निर्णय ने यूपी की ब्यूरोक्रेसी में तमाम हलचल मचा रखी है, चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या होने वाला है। अभी 10 महीना पहले ही रेणुका कुमार दिल्ली गई थी उत्तर प्रदेश से, और उनकी नौकरी भी अब 11 महीने बची है, यानी उनका जून 2023 में रिटायरमेंट होना है। माना यह जा रहा था कि जब वो दिल्ली गई तो वहीं दिल्ली से वो रिटायर हो जाएंगी, लेकिन नौकरी के 11 महीना पहले उनको वापस भेज दिया गया। रेणुका के पति सुनील कुमार भारत सरकार में ही तैनात हैं और वो पंचायती राज विभाग में सेक्रेटरी हैं। ऐसे में रेणुका को अचानक वापस आना, वो भी 1987 बैच की IAS अफसर हैं, काफ़ी सीनियर मोस्ट बैच है इस समय 87 उत्तर प्रदेश में, अब उनका समायोजन कहाँ होगा, इसको लेकर कई सारी बातें सत्ता के गलियारों के बीच सुनी गई। लेकिन जानने वाले दो बात करते हैं। पहली, रेणुका कुमार उत्तर प्रदेश में गृह सचिव रही हैं, कई सारे और पदों पर भी रही हैं, लेकिन उनके लिए एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो बेहद ईमानदार हैं, वो गलत काम को ना कहती हैं। तो ऐसे में अगर गृह विभाग की ओर किसी की सोच जाती है तो वहाँ के लिए रेणुका कुमार काम में तो फिट हो सकती हैं, लेकिन सरकार की बहुत सारी उम्मीदों पर वो शायद खरी ना उतरें। तो वहाँ पर समायोजन की जो लोग बात अगर देखते और सोचते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दावा या मजबूती नहीं दिखती है। अब चर्चा इस बात की आती है कि अगर वो आती हैं तो सरकार उनको किसी और काम में लगा सकती है। रेणुका कुमार को लेकर इस बात पर भी चर्चा है कि वो खुदाई सरकार ने मांगा या ज़बरदस्ती भेजी गई, ये भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी फिलहाल नहीं आए हैं, क्योंकि इस हायर लेवल के तबादलों में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, लेकिन जब वो स्टेट में वापस आकर ज्वाइनिंग देंगी तब शायद इस बात का खुलासा हो कि उनकी वापसी कैसे हुई है, क्योंकि यूपी ने उनको वापस मांगने की फिलहाल कोई डिमांड नहीं की है। सिर्फ कयास इस बात से है कि अगले महीने प्रमुख सचिव गृह रिटायर हो रहे हैं, उनका पद खाली हो रहा है, लेकिन इसके अलावा यूपी में कई सारे और पद खाली हैं, जैसे बाल विकास पुष्टाहार के प्रमुख सचिव का पद खाली है और कई सारे पद ब्यूरोक्रेसी में खाली हैं। तो अगर रेणुका कुमार आती हैं, उनको पोस्टिंग दी जाती है, तो बहुत सारे इक्वेशन भी बदलेंगे और
वो इक्वेशन अगस्त के बाद भी बदल सकते हैं, लेकिन इस पर सबकी निगाह है। परिणाम आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। इस बीच एक खबर और आपको बता दें कि 87 के बाद 1988 का जो बैच है उसकी एक आईएएस अफसर हैं ज्योतिका पाटणकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पाटणकर केंद्रीय सूचना आयोग में सचिव हैं। उनकी नौकरी 1 जनवरी 2024 तक है, लगभग 1.5 साल के लगभग। वो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। उनके अचानक इस्तीफे को लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो यूपी कैडर की हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि उन्होंने इस्तीफे का निर्णय व्यक्तिगत कारणों से लिया है। खैर, वो उत्तर प्रदेश में जब यहाँ पर राम नाईक गवर्नर थे तो बहुत लंबे समय तक उनकी प्रमुख सचिव रही। हमेशा शालीनता के साथ रहने वाली वो बाद में केंद्र चली गई और अब उन्होंने 1.5 साल पहले इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। तो ब्यूरोक्रेसी की ये सारी हलचले हैं, इन पर आने वाले 10 दिन 15 दिन 1 महीने में तस्वीर साफ हो पाएगी। पावर सेंटर में बात फिर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई एक बेहद रोचक खबर की। रोचक इसलिए कि आप इसे ब्यूरोक्रेसी का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। अभी पिछले दिनों 28 जुलाई को रात में 13 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। इस तबादले में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा का भी तबादला था, जिन्हें प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाया गया था। इसके साथ 5 जिलों के डीएम भी बदले गए। लेकिन अचानक इस तबादले में क्या हुआ कि 24 घंटे के भीतर इसमें कई सारे तबादले रद्द हो गए। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उथल पुथल हो गई और जब चैन एक कड़ी टूट गई तो कई सारे तबादलों को बदलना पड़ा। डीएम कौशल राज शर्मा, जो वाराणसी में 2019 से तैनात हैं, पीएमओ से उनके सीधे लिंक हैं, उनको प्रयागराज का कमिश्नर बनाया गया था। बताया जाता है कि कौशल राज वहां के लिए इच्छुक नहीं थे। कुछ ऐसा संदेश केंद्र से आया कि रातों रात यूपी सरकार को ये फैसला रद्द करना पड़ा और कौशल राज को फिलहाल डीएम बनाकर वहीं रखा गया। जब कौशल राज का तबादला रद्द हो गया तो राजलिंगम, जो उनकी जगह जा रहे थे कुशीनगर से, उनका भी तबादला रद्द हो गया, वो कुशीनगर रुक गए। अब कुशीनगर गए थे उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार, वो फंस गए। उनको राज्य सरकार ने अटका दिया, लाके सचिवालय में विशेष सचिव बना दिया कि अब चलो यहाँ। तो एक तरह से उनके लिए तो वज्रपात हो गया। कहाँ डीएम थे और डीएम की कुर्सी पे जा रहे थे, आधी रास्ते तक पहुँचे रहे होंगे, फरमान आ गया कि नहीं, अब कुशीनगर नहीं, लखनऊ में आओ सचिवालय में। अब आप सोचिए कि रविंद्र कुमार इस पूरी शिफ्टिंग में निपट गए, उनकी जगह अपूर्वा दुबे आ गई। अपूर्वा दुबे के पति कानपुर में डीएम हैं, विशाख जी। जब कौशल राज शर्मा का तबादला प्रयागराज कमिश्नर से निरस्त हो गया तो संजय गोयल तो बेचारे चले गए झांसी, अब वो पद खाली। फिर वहाँ पर विजय विश्वास पंत को भेज दिया आजमगढ़ से, वो मंडलायुक्त बन गए और आजमगढ़ भेजे गए उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर इंडस्ट्री मनीष चौहान, जो कानपुर में थे। अब आप इन तबादलों में दो ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम प्रकाश डालेंगे, उसको सुनिए। पहला कि कौशल राज शर्मा को लोग ये कहते हैं, चर्चा है कि एक साजिश के तहत प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाया गया था, वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे। चर्चा ये भी है कि कौशल राज शर्मा नोएडा ना जा पाए इसलिए उनको इधर बैठा दो प्रयागराज में, लेकिन वो इस बात को समझ गए और अपने संपर्क सूत्रों से वो दोबारा वापस बनारस की डीएम की कुर्सी पर बचाने में कामयाब रहे। थोड़े दिन में वो फिर जाएंगे उधर। दूसरा मामला ये है कि डायरेक्टर इंडस्ट्री मनीष चौहान को आजमगढ़ भेजा गया तो वो क्यों खाली कराया गया पद? रितु महेश्वरी, जो नोएडा की सीईओ हैं, वो उनको सरकार वहाँ लाने की तैयारी में है। वहीं पर उनके पति मयूर एमडी हैं यूपीसीडा के, और
अब डायरेक्टर इंडस्ट्री का पद खाली हो गया, तो रितु महेश्वरी को वहां पर तैनात करने की कोशिश हो सकती है। इस तबादलों के खेल के पीछे एक और बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि कोई ऐसा अफसर है जो शीर्ष पर बैठा है और वो नहीं चाहता है कि कौशल राज शर्मा नोएडा जाएं, और इसलिए वो इधर उधर गणित फिट करता रहता है। लेकिन भाई, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा, वो जहाँ चाहेगा। आज की तारीख में बनारस और प्रधानमंत्री एक दूसरे के पूरक हैं, जो सीधे संवाद है, संपर्क है, उसका लाभ तो मिलेगा ही। हालांकि कौशल राज एक बेहतर अफसर हैं और उन्होंने अपनी कार्यशैली की छाप, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, बनारस हो, हर जगह छोड़ी है। इस प्रदेश में ऐसे अफसरों को बहुत कम देखने को मिलेगा कि जो काजल की कोठरी में रहकर भी बेदाग निकलते आए हैं। तो फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन आज हम जाते जाते साहित्य में मुनव्वर राणा साहब की उन लाइनों को आपको सुनाएंगे जिसमें आम आदमी की बोलचाल की भाषा में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जिसमें समाज में धार्मिक आधार पर भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात भी कही जाती है। तो सुनिएगा कि सगी बहनों का रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता, और कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनियों की दुकानों में नहीं मिलता, तो फिर दुनिया में मेरे चाहने वाले कहाँ होते, ये अच्छा शेर है ये कारखानों में नहीं मिलता। नमस्कार।